तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका सेवियर्स एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। अपन बात करने जा रहे हैं राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर के द्वारा जो पाठ्यक्रम है शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए, उसमें जो संक्षिप्तीकरण किया गया है उसके बारे में। और आज अपन बात करेंगे कक्षा 8 की। कक्षा 1 से 7 तक के सारे वीडियो इसी चैनल के प्लेलिस्ट में मैंने अपलोड कर दिए हैं। कक्षा 8 का भी अंतिम वीडियो है। इससे पहले हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश तीनों भाषाओं का एक कंबाइंड वीडियो है। इसके बाद साइंस का अलग से डाल दिया है और SST का अलग से डाल दिया। आज अपना मैथ का कक्षा 8 का अंतिम वीडियो है। तो अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ये पाठ्यक्रम कम करने का कारण, जैसा कि आपको विदित है कि भाई कोरोना के कारण सारे स्कूल्स बंद है, जिसके कारण पाठ्यक्रम को संक्षिप्त किया गया है। अब बात कर लेते हैं कक्षा 8 की, जिसका कि आज का विषय है अपना गणित, जिसमें देखिए आपको जो है कंप्यूटर स्क्रीन पे परीक्षा योजना देखने से स्पष्ट पता चल जा रहा है कि इस बार बोर्ड की परीक्षाएं होंगी, क्योंकि पेपर जो है 2.5 घंटे का होगा और प्रश्न पत्र 80 नंबर का ही होगा। 20 नंबर 17 अंक जाएंगे, तो 17 अंक किस में जाते हैं? बोर्ड परीक्षा में। इसका मतलब बोर्ड की परीक्षाएँ होंगी और कुल 100 में से आपको जो है मिलेंगे ग्रेड वगैरह। तो अब देखिए पहला अध्याय जो है जिसका शीर्षक है परिमेय संख्याएं, इसमें भूमिका आपको पढ़नी है परिमेय संख्याओं के गुण धर्म। ये 1.2 ये प्रश्नावली नहीं है, ये जो पॉइंट दे रखे हैं ना किताब के अंदर उसकी बात कर रहा हूँ। अब किस पॉइंट के बाद कौन सी प्रश्नावली है वो आप किताब में देख सकते हैं। तो देखिए परिमेय संख्याओं के गुण धर्म ये आपको पढ़ना है। इसके बाद परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा निरूपण ये पढ़ना है। इसके बाद दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या, इसको हटा दिया गया है तो ये पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बाकी जो बिंदु संख्या 1.1, 1.2 और 1.3 है इनको पढ़ना है और इनके लिए 5 नंबर के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे बोर्ड की परीक्षा में। अब बात कर लेते हैं दूसरे पाठ की। दूसरा जो अध्याय है आपका, जिसका कि शीर्षक है एक चर वाले रैखिक समीकरण, तो इसमें आपको भूमिका तो पढ़नी है। इसके बाद समीकरणों को हल करना जिनके एक पक्ष में रैखिक व्यंजन तथा दूसरे में केवल संख्या हो, ये भी पढ़ना है। इसके बाद कुछ अनुप्रयोग नहीं पढ़ने हैं। समीकरण हल करना जब दोनों पक्षों के चर उपस्थित हो, और कुछ और उदाहरण, ये जो पॉइंट है बिंदु संख्या 2.3, 2.4 और 2.5 ये नहीं पढ़ना है। इसके बाद 2.6 बिंदु जो है समीकरणों को सरल रूप में बदलना, इसको पढ़ना है। रैखिक रूप में बदल जाने वाले समीकरण ये भी पढ़ना है। तो इस प्रकार से दूसरा अध्याय कुल मिला के आपके 10 अंकों के प्रश्न इसमें से पूछे जाएंगे। अब देखो तीसरा अध्याय जो है चतुर्भुजों को समझना है, ये पूरा का पूरा अध्याय आपको पढ़ना है। भूमिका है चाहे बहुभुज है, एक बहुभुज के बाह्य कोणों कि मापों का योग, चतुर्भुजों के प्रकार और कुछ विशिष्ट समांतर चतुर्भुज, ये सारे पढ़ने हैं। इसमें से 10 अंकों के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। अध्याय 4 देखो प्रायोगिक ज्यामिति, इसके अंदर जो है ये अध्याय पूरा का पूरा हटा दिया गया है, तो चौथा अध्याय आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद देखो पांचवा अध्याय है आपका आंकड़ों का प्रबंधन, तो इसको भी पूरा का पूरा हटा दिया गया है, तो ये पांचवा अध्याय भी आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आंकड़ों का प्रबंधन पूरा का पूरा हटा दिया गया है। अब बात करते हैं अपन छठा, तो छठे में आपको भूमिका पढ़नी है जिसका शीर्षक है वर्ग और वर्गमूल, तो भूमिका को पढ़ना है। वर्ग संख्याओं के गुण धर्म पढ़ने हैं। कुछ रोचक प्रतिरूप इसको हटाया गया है, इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद देखो संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना ये पढ़ना है, वर्गमूल पढ़ना है। दशमलव का वर्गमूल नहीं पढ़ना है, इसको हटा दिया गया है। बाकी वर्गमूल का अनुमान लगाना ये पढ़ना है, और इसमें से 8 अंकों के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। अगला चैप्टर देखो 7वां है घन और घनमूल, तो इसमें भूमिका को पढ़ना है। 7.2 बिंदु जो है घन ये पढ़ना है और घनमूल पढ़ना है। इसके अलावा देखो अंतिम जो है ना 7.3.2 किसी घन संख्या का घनमूल ज्ञात करना, इसको हटा दिया गया, तो इसको पढ़ने की आवश्यकता
नहीं है, और इसमें से 6 अंकों के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे बोर्ड की परीक्षा में। अब देखो 8वां अध्याय की बात करें, राशियों की तुलना, तो इसमें देखो सबसे पहले आपको भूमिका पढ़नी है, वृद्धि प्रतिशत का स्मरण करना है, और इसके बाद जो है बट्टा ज्ञात करना है, फिर खरीद एवं बिक्री से संबंधित मूल्य यानी लाभ हानि ज्ञात करनी है, बिक्री कर माल और सेवा कर या वेट पढ़ना है, और चक्रवर्ती ब्याज पढ़ना है। कुल मिला के 10 अंकों के प्रश्न इसमें से पूछे जाएंगे। इसके बाद देखो चक्रवर्ती ब्याज के सूत्र के निगम ये भी पढ़ने हैं, दर का वार्षिक या अर्धवार्षिक संयोजन ये भी पढ़ना है, और चक्रवर्ती ब्याज के सूत्र के अनुप्रयोग, यानी कुल मिला के 10 अंकों के प्रश्न जो है 8वें अध्याय से पूछे जाएंगे। अब आपका 9वां अध्याय है बीजीय व्यंजक एवं सर्व समीकाएँ, तो इसमें जो है व्यंजक क्या है पढ़ना है, पद गुणनखंड और गुणांक पढ़ने हैं, एक पदीय द्विपद और बहुपद पढ़ने हैं, समान और असमान पद पढ़ने हैं, बीजीय व्यंजकों का योग एवं व्याकलन पढ़ना है, बीजीय व्यंजकों के गुणक पढ़ना है, एक पदी को एक पदी से गुणा करना, एक पदी को बहुपद से गुणा करना और बहुपद को बहुपद से गुणा करना, ये आपको पढ़ना है। इसके अलावा जैसे सर्व समीका क्या है, मानक सर्व समीका और सर्व समीकाओं का उपयोग, इनको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। कुल मिला के इनमें से 8 अंकों के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, तो इस हिसाब से अपनी तैयारी को जारी रखें। अब अगर बात करें अपन अगले अध्याय की जो कि है 10वां, जिसका शीर्षक है ठोस आकारों को चित्रण, इसमें ये पूरा का पूरा चैप्टर हटा दिया गया है, तो इस 10वें चैप्टर को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद अगला पार्ट देखिए 11वां, जिसका शीर्षक है क्षेत्रमिति, तो इसमें भूमिका को आपको पढ़ना है, ये 9 अंकों का पाठ है आपका, 9 अंकों के प्रश्न जो है 11वें क्षेत्रमिति से संबंधित पूछे जाएंगे, इसमें सारे आपको पढ़ने हैं। आइए स्मरण करते हैं, समलंब का क्षेत्रफल, सामान्य चतुर्भुज का क्षेत्रफल, बहुभुज का क्षेत्रफल, ठोस का आकार, घन घनाभ और बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन घनाभ बेलन का आयतन और धारिता, ये सारे के सारे पढ़ते हुए 9 अंकों के प्रश्न जो है इसमें से पूछे जाएंगे। इसके बाद देखिए घातांक और घात, इसको पूरा पूरा चैप्टर को हटा दिया गया है, तो 12वां चैप्टर को आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद देखो अपन 13वें की बात करें, जिसका कि शीर्षक है सीधा और प्रतिलोम अनुपात, तो इसमें जो है भूमिका आपको पढ़नी है, सीधा अनुपात पढ़ना है और प्रतिलोम अनुपात भी पढ़ना है, 4 अंकों के प्रश्न इसमें से पूछे जाएंगे। इसके बाद देखो अगला अध्याय जो कि है 14वां, जिसका शीर्षक है गुणनखंड, इसमें भूमिका आपको पढ़ना है, गुणनखंड क्या है ये भी पढ़ना है, बीजीय व्यंजनों का विभाजन नहीं पढ़ना है, बहुपद का बहुपद से विभाजन इनको हटा दिया गया है, तो इनको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। गुणनखंड वाले पाठ से आपके इस अध्याय से 4 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद 14.5 जो है क्या त्रुटि सुधार ज्ञात कर सकते हैं, इसको हटा दिया गया है, तो पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब देखो अध्याय 15वां, जिसमें आलेखों से परिचय, तो ये पूरा का पूरा आएगा, जिसमें भूमिका है, रैखिक आलेख है और कुछ अनुप्रयोग है, इसमें से 6 अंकों के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद देखो अध्याय 16वां, संख्याओं के साथ खेलना, तो ये पूरा का पूरा हटा दिया गया है, तो इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि इस प्रकार से कुल मिला के 80 नंबर का आपका ये पेपर होगा, जिसमें आपको 16वां अध्याय पूरी तरह से हटा दिया गया है, इसके अलावा कुछ में आंशिक बदलाव किए गए हैं, 14वें में आंशिक बदलाव है, 12वां पूरा का पूरा हटा दिया गया है, तो 11वें में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया गया है, 10वां पूरा का पूरा हटा दिया गया है, तो 9वें के कुछ आंशिक संशोधन है, उसी प्रकार से 8वां आपको पूरा का पूरा पढ़ना है, किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं है, 7वें में आंशिक बदलाव किया गया है, 6ठे में भी आंशिक बदलाव किया गया है, 4था और 5वां बिल्कुल भी नहीं पढ़ने, इनको
पूरी तरह से हटा दिया गया है। तीसरा पूरा ही पढ़ना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। दूसरे में कुछ आंशिक बदलाव किए गए हैं और पहले में भी कुछ आंशिक बदलाव किए गए हैं। तो इस प्रकार से परीक्षा योजना जो 2020-21 की है, इसके अनुसार ये आपका पाठ्यक्रम है, इसी के अनुसार आपको तैयारी करनी है और परीक्षा में सफलता अर्जित करनी है। इसी के साथ आज के इस सेशन को यहीं विराम देते हैं, मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।